नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि एक और जहां रेलवे विभाग फरवरी 2023 में रीवा से गोविंदगढ़ तक शटल ट्रेन दौड़ाने की योजना बना रहा है, तो वहीं अब ये मंशा पूरी होती नहीं नजर आ रही है। यानी कि रीवा से सीधी रेल लाइन का काम फिलहाल एक बार फिर ठप हो गया। किसान धरने पर फिर बैठ गए, जिससे समय पर कार्य पूरा होता नजर अब नहीं आ रहा। किसानों का कहना है कि जब तक रेलवे प्रभावित किसानों को नौकरी नहीं देता, कोई भी कार्य किसान रेलवे का नहीं करने देंगे, यानी कि शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। रेलवे विभाग के काम कर रहे अधिकारी इसकी जानकारी माननीय रीवा कलेक्टर को देने के साथ ही मुख्यालय को उन्होंने दे दी है कि जो किसान है वो काम नहीं करने दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि फिलहाल अभी जो किसान है वो गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि रेलवे विभाग किसानों को धोखा दे रहा है। नौकरी का झांसा देकर जमीन अधिग्रहित कर ली गई, उस पर काम नहीं शुरू किया गया, लेकिन नौकरी देने के नाम पर किसानों को भटका जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले रेलवे विभाग ने कई किसानों को मुआवजे के साथ ही नौकरी दी थी, लेकिन कुछ दिनों पश्चात रेलवे विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब किसानों को नौकरी नहीं दी जाएगी। रेलवे का ये दोहरा व्यवहार कहां तक जायज है? इन सभी कारणों को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जिला मुख्यालय के अधिकारी भी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे। विगत कुछ दिन पहले किसान एकजुट होकर रीवा के जो माननीय कलेक्टर हैं उनके पास पहुंचे थे, जहां माननीय कलेक्टर ने रेलवे अधिकारियों से बात करते हुए निराकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही जिले के प्रशासनिक हमले में बैठे बड़े अधिकारी। आपको बताते चलें कि रेलवे सूत्र की माने तो रेलवे विभाग फरवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में रीवा से गोविंदगढ़ तक शटल ट्रेन चलाने की योजना बनाते हुए तेजी से काम कर रहा था, लेकिन किसानों द्वारा किया जा रहा विरोध कार्य में रुकावट पैदा कर रहा है। बताया गया है कि रीवा से गोविंदगढ़ के बीच लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। उड़की गांव के समीप कुछ काम ही शेष था, जिसे पूरा करने के लिए लगातार कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से पूरी तरीके से काम बंद कर दिया गया है। यानी कि इस रेल लाइन परियोजना में फिर से ग्रहण लगता नजर आ गया है। ना ही रेलवे मान रहा है, ना ही किसान मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा आप हमसे द रेलवे ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे हम सबसे पहले। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।